और अब देखिए महायुद्ध टॉप 9। अमेरिका से मिले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर M-42 हाइमार्स से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेनी आर्मी बैक टू बैक रॉकेट अटैक कर रही है। सोलेडर में रूसी कब्जे वाले इलाकों को वापस पाने के लिए यूक्रेनी आर्मी पूरी जोर लगा रही है। असॉल्ट ब्रिगेड की मदद से यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस इलाके में वैगनर के कई लड़ाके मारे गए हैं। रूस की तरफ से हुए मिसाइल अटैक को लेकर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। कीव का कहना है कि रूस की तरफ से दागी गई मिसाइलें किसी तीसरे देश की हैं। स्मगलिंग के जरिए रूस को तकनीक मिली है। डोनेस्क के अवदीवका से लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। यहाँ रूस की आर्मी ने यूक्रेन के मोर्टार और गोला बारूद के डिपो को उड़ा दिया। रूसी हमले में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। ज़ेलेंस्की की वार्निंग के बाद रूस अलर्ट है। यूक्रेन किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है और रूस की सेना यूक्रेन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। दहशत के माहौल में रूसी वॉर फ्रंट पर TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। संवाददाता मनीष झा ने ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग की। यूक्रेन के पावलोग्राद में रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। रूसी हमले में कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गईं। रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूल डिपो को भी रूस ने निशाना बनाया है। यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव पर अमेरिका ने फिर संदेह जताया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फोर्स की किलेबंदी को तोड़ना बेहद मुश्किल है। सैटेलाइट इमेज में रूसी फोर्स की मजबूत सैन्य तैयारी दिखी है। महायुद्ध की आशंकाओं के बीच रूस यूक्रेन की जंग और भीषण होती जा रही है। रूस की वेस्टर्न ग्रुप की सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले यूक्रेनी हथियारों के जखीरे को नष्ट कर दिया। हथियारों के नष्ट करने का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया। सेवेस्तोपोल पर हुए हमले को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूक्रेन ने ही सेवेस्तोपोल पर हमला किया था। यूक्रेनी मिलिट्री प्रवक्ता ने बताया कि सेवेस्तोपोल पर हमला यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव का हिस्सा था।